घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगवाना किसे नहीं पसंद है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता है कि घर बैठे अपने मोबाइल से खाना कैसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप स्विगी से कैसे अपने घर बैठे किसी भी रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी ज्ञान पे। तो सबसे पहले हमको प्ले स्टोर पे आ जाना है और सर्च कर लेना है स्विगी। स्विगी सर्च करने के बाद हमारे पास स्विगी का ऐप आ जाएगा, इसको हमको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो ऐप ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से आपकी लोकेशन ऊपर दिख जाएगी यहाँ पे, और उसके नीचे आप कोई भी फूड को सर्च कर सकते हैं, रेस्टोरेंट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको स्विगी पे अपना अकाउंट बनाना होगा। तो आप अपनी इस प्रोफाइल की फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालते ही आप स्विगी का अकाउंट आपका बन जाए, जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन है। माई अकाउंट में आप अपने कुछ फेवरेट्स, अगर आपने कुछ सेव किया है तो वो आपको दिख जाएगा, कोई रेस्टोरेंट सेव किया है तो। यहाँ से आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, आप मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं, एड्रेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप बहुत सारे एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे, अपनी लोकेशन डालेंगे, कंफर्म लोकेशन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट, रोड एरिया, ये सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं मेन चीज़ पे कि आप किस तरीके से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप आते ही स्विगी ऐप खोलते ही आपको देखिए बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऑफ़र भी दिख रहे हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है तो यहाँ पे आपको देखिए आपके सिटी में, आपके लोकेशन के आसपास जो भी रेस्टोरेंट हैं जिनकी डिलीवरी अवेलेबल है, यहाँ पे आपको उन सारे रेस्टोरेंट की डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ से आप कोई भी सामान मंगा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट की डिटेल आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए जैसे इटालियन पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में एक ऑफ़र भी, हमारा कई सारे ऑफ़र चल रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बाय वन गेट वन का भी ऑफ़र है, अगर हम कूपन कोड यूज़ करेंगे बोगो तो हमको बाय वन गेट वन मिलेगा। ये ऑफ़र्स चेंज होते रहते हैं, आपको ये ऑफ़र्स कुछ और मिल सकते हैं आपके रेस्टोरेंट, आपके सिटीज़ के हिसाब से। तो जो भी आप रेस्टोरेंट खोलेंगे आपको वहाँ पर ऑफ़र एक दिख जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, अब इनका मेन्यू आ गया है, यहाँ पर मेन्यू है। अब मेन्यू पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें, छोले भटूरे जैसे देखिए 2 पीस 220 रुपए के मिल रहे हैं, आलू का पराठा बाय वन गेट वन 70 रुपए का मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बाय वन गेट वन का ऑफ़र मैंने लगा दिया है और अब हम चूज़ करते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे मंगाना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आइटम ऐड कर लिया है, दो क्वांटिटी मैंने ऐड की, तो देखिए एक क्वांटिटी का ही पैसा मेरे को लग रहा है, तो यानी कि एक क्वांटिटी मुझे फ्री में मिल रही है। तो बाय वन गेट वन का यहाँ पे ऑफ़र लग गया है, तो 145 रुपीज़ मुझे पे करना है। यहाँ से मैं पे करता हूँ, गूगल पे पर हम आ गए हैं, अब इसको हम पेमेंट पूरी कर देते हैं। अब देखिए ऑर्डर रिसीव का यहाँ पे नोटिफिकेशन हमको आ गई है और मोबाइल में मैसेज भी आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है कि मैंने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया और कहाँ पे मेरी डिलीवरी होनी है। तो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि अराइविंग इन 32 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ देर हम वेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी डिलीवरी पार्टनर है, जो भी ड्राइवर है जो कि हमारा सामान लेके आएगा, उसकी डिटेल भी हमको मिल जाएगी। यहाँ पे प्रॉपर लोकेशन दिखाएगा बाइक से कि हमारा पार्सल अभी कहाँ किस जगह पे पहुँचा है, प्रॉपर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से आप रेस्टोरेंट में कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, कुछ चीज़ कुछ भी बतानी है, कुछ भी पूछना है तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से ऐड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो भी डिलीवर करने आएगा उसको आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहाँ से आप वॉइस मैसेज भी करके उसको लोकेशन अपनी बता सकते हैं कि यहाँ से ऐसे आना है, वैसे आना है, इधर मुड़ना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि कोविड के टाइम पे ये सब ऑप्शंस अनेबल खासकर किए गए थे। अवॉइड रिंगिंग बेल, तो आप चाहते हैं कि आपका डिलीवरी पार्टनर बेल ना बजाए तो यहाँ पर आप इसको भी टिक कर सकते हैं। आपका पार्टनर खाने को डोर पर ही छोड़ के चला जाए, ये सब कोविड के टाइम पर होता था, आप ये भी कर सकते हैं।
अवॉइड कॉलिंग, कॉल ना करे वो, या फिर सिक्योरिटी जैसे सोसाइटी वगैरह में सिक्योरिटी गेट रहते हैं तो वहीं पे पार्सल छोड़ के चला जाए, तो वो सब ऑप्शन भी यहाँ से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे आ रहा है कि राइडर टू बी असाइन बाई 10:45 AM, तो कुछ देर बाद यहाँ पे राइडर हमको असाइन हो जाएगा, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी और यहाँ से अपने ऑर्डर को हम रियल टाइम में ट्रैक कर सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्विगी ऐप से घर बैठे अपने घर में कोई भी खाने का आइटम, खाना, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ भी आप बहुत ही आसानी से कुछ क्लिक में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर दें, मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।